फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एप्रन कैसे बनाते हैं तो उसके विषय में बताऊंगी। तो ये हमारे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उसी में से मैं आपको एप्रन के विषय में बताऊंगी। तो ये हमारे इसको हम सबसे पहले 34 इंच की हम इसमें लंबाई रखेंगे। इस तरह हमने इसको डबल करके रखा हुआ है और इसको सबसे पहले हम इसकी जो चौड़ाई हम तैयार 22 इंच की रखेंगे, तो हमने इसको फोल्ड में 11 लेना है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। तो ये हमने 12 इंच का लिया हुआ है और जो इसकी लंबाई है हमें इसकी 34 रखनी है 34 इंच की। चलो, और जो इसकी लेंथ है वो हम 34 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले हम 34 इंच पर निशान लगाकर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देते हैं 34 इंच पर। और जो हमने इसकी डबल में इसकी चौड़ाई ली है वो हमने 12 ली है। ये देखिए, ये 12 है, तो ये तैयार होकर हमारा 11 हो जाएगा और खुल के ये 22 हो जाएगा। और ये हमने अब 24 लिया हुआ है, खुल के 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई है उसमें से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देते हैं और साइड से हम ये जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उतनी रख के हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और अब ये हमारे पास ये तैयार कपड़ा है, तो जो तीरा है वो हम 6 इंच का लेंगे और जो हमारा मुड्ढे का निशान है वो हम 9 इंच का लेंगे। ये 9 इंच का लेंगे हम और सीधा हम लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे यहाँ पर और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है और अब हम जो जेब है उसकी कटिंग करेंगे। इस पर हम जो जेब लगानी है, तो जेब की चौड़ाई हम 7 इंच की रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। तो हम 4 इंच देंगे, तो 3.5 हमारी तैयार होगी। और जो इसकी लंबाई है ये हम सर्कल लेते हैं पहले, वो हमें जो लंबाई है वो 8 इंच की रखनी है, तो हम 9 इंच रख लेते हैं क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो यहाँ भी हम देख लेंगे 4 इंच चाहिए हमें। तो हमारी जो इसकी चौड़ाई होगी वो 7 इंच की होगी और लंबाई हमारी इसकी 8 इंच की तैयार होगी। तो ये हमने इसकी जेब की कटिंग की है, ये देखिए। और ये देखिए 1.5 इंच की हमने ये 2 रेब की पट्टियाँ कटिंग की है मुड्ढे के लिए और ये 22 इंच की हमने 3 स्ट्रिप हमने ये सीधी कटिंग की है। तो ये हमें 22 इंच की तैयार चाहिए, तो हमने 24 इंच दिए क्योंकि सिलाई में आने के बाद हमारे ये 22 इंच की रह जाएगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो ये मुड्ढे की हमें पट्टी है ये सबसे पहले लगानी है, तो हम इनको उल्टी साइड से शुरू करेंगे और इस तरह से लगानी शुरू करेंगे इनको। सॉरी, ये पट्टी हमें डबल करके लगानी है, तो हमने पहले सिंगल लगाई थी लेकिन इसको डबल करके लगानी है। तो इस तरह से हम इसको डबल करके लगानी शुरू करेंगे और इसको लगाएंगे। उल्टी तरफ ही हमें शुरू करनी है इसको लगानी और फिर हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। कटिंग करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे। इस तरह सीधी करके इसको पट्टी को छोटे छोटे कट लगाएंगे और उस सीधी करेंगे इस पट्टी को और एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे।
उसके बाद हम सीधी तरफ इस तरह पट्टी को पलटेंगे और एक सिलाई हम यहाँ किनारे पर लगाएंगे। सीधी तरफ पलटते हुए किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम उल्टी साइड से पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। डबल करके ही हमें इधर भी लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे, उसके बाद इधर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरह हम इसको पलटेंगे और यहाँ पर इधर भी सिलाई लगाएंगे पहले। इस तरह पलटेंगे इस तरह से करते हुए और एक दबी हुई सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे। इस तरह से करते हुए सीधी तरफ इसको पलटेंगे। किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों तरफ हमने ये पट्टी लगा ली है। अब ऊपर की तरफ से इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और फिर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से करते हुए चारों तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। नीचे भी इस तरह फोल्ड करते हुए एक नीचे सिलाई लगाएंगे हम। हम इस तरह फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जो हमें जेब लगानी है तो जेब को सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे।
लगाने के लिए हम भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे इसके। इस तरह हमने फोल्ड करके रखा हुआ है और उसके बाद हम इस तरह से खोल लेंगे और ठीक इस तरह मूठे के सामने हम इस पर भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे। अभी हम निशान लगा लेते हैं और दोनों का सेंटर मिलाते हुए ठीक जो हमारी मूठे हैं इनके सामने हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये देखिए बिल्कुल निशान के साथ और इस तरह चारों तरफ हम निशान लगाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा निशान हमारा थोड़ा आगे हो जाएगा तो इस तरह फोल्ड करते हैं हम अपनी जेब को इसके ऊपर लगाएंगे। हमारा ऊपर की तरफ है और निशान के साथ हमारा निशान मिला हुआ है और ये हमने इधर निशान लगाए थे तो यहीं से हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए अपनी जेब को लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करेंगे और निशान हमारा थोड़ा ये फिर आगे हो जाएगा क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा पॉकेट में चला गया है और इसी तरह फिर नीचे इस तरह फोल्ड करेंगे थोड़ा। निशान हमारे दोनों मिले होने चाहिए और उसके बाद फिर इधर थोड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। जेब भी हमारी लग चुकी है ये देखिए। अब जो हमने ये स्ट्रिप काटी हुई थी 24-24 इंच की और ये हमारे तैयार 22 रह जाएंगे क्योंकि सिलाई में आएंगी तो सबसे पहले हम इनको इस तरह से फोल्ड करके तीनों को सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो एक साइड से हम पहले इसको थोड़ा इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह तैयार करनी है पहले तो ये दोनों भी हम सेम इसी तरह से पहले हम थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको और इस तरह दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और ये 2-2 इंच की हमने ली है चौड़ाई इनकी 2-2 इंच की ली हुई है और ये 24 इंच की है। दूसरी भी हमने कर ली और तीसरी भी हमें सेम इसी तरह से करनी है। थोड़ा यहाँ से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसको भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इस तरह से करके हमें ये भी स्ट्रिप बनानी है। तो तीनों हमने ये तैयार कर ली है अपनी।
देखिए जिस साइड से हमने थोड़ा फोल्ड किया था इनको, तो सबसे पहले हम ऊपर की आपको बताते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे इसको, और थोड़ा आप चाहें तो इस तरह फोल्ड करते हुए इसको और यहाँ से लगानी शुरू करें आप। और अच्छी तरह पक्का करें इसको। अच्छी तरह से इसको पक्का कर दें हम। उसके बाद इसको हम देंगे और इस तरह सीधी, कोई बीच में बल नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। इसको भी हम अच्छे से पक्का करेंगे। ये भी अच्छी तरह पक्की करनी है, और उसके बाद ये देखिए ये हमारी ऊपर की है, दो स्ट्रिप बनाई थी ये हमें लगानी है, तो ये हम बाहर की तरफ रखेंगे इधर, और जो हमारे ये सिंपल है इसको हम इस तरह से लगाएंगे अंदर की तरफ। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा मुड़े का, इस तरीके से। इनको भी हमें अच्छे से पक्का करना है, इस तरह से लगाते हुए पक्के कर देंगे हम इनको। बिल्कुल सिलाई कहीं लगानी है हमें इनके ऊपर। चार पांच सिलाई आप इनके ऊपर लगाइए। ये भी हमने लगा ली है, और अब एक जो बची हुई है वो हम इस साइड लगाएंगे। देखिए जो हमने फोल्ड किया था वो हमें बाहर की तरफ रखना है, और इस तरह से इसको भी हम अच्छे से लगाकर ये हम दूसरी साइड लगाएंगे। इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से पक्का करेंगे। देखिए ये भी हमारी दोनों तरफ की स्ट्रिप हमारी लग चुकी है, और ऊपर भी हमने लगा ली है, जेब भी हमारी लग चुकी है इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो एप्रन है वो बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। आप किसी पुरानी कुर्ते में से भी इसको बना सकते हैं, कोई पुरानी चादर या कोई पुराना कपड़ा हो उसमें से भी आप बना सकते हैं। कोई नया पीस पड़ा हो आप उसमें से इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास ये एक कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसमें से हमने इसको बनाया है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।